10,000 आई ग्राम। अब ये दोनों हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, इनके साथ एक डॉक्टर और आना है, इन्होंने 24 घंटे हॉस्पिटल को देखना है, बाकी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के जरिए निगरानी, गायनी के जितने भी प्रोसेस हैं वो चल रही है। डॉक्टर शमीम आ रहा है, माशाल्लाह ताला हमारे दोनों हॉस्पिटल को प्रेजेंट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और डे वन से हमारे कॉज के साथ जुड़ी हुई है, और इनकी अपनी रेपुटेशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे इनकी पुटी जितनी स्ट्रॉन्ग है कि जो आपकी लोअर आबादी है वो बहुत ज़्यादा अननोन है, इतना ज़्यादा फेमस है ये अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके अपने पेशेंट हमारे पास बहुत रेफर हुए हैं, और इन्होंने अपने हॉस्पिटल में करने की बजाय हमारी तरफ रेफर किए हैं ताकि वो जितना कम बजट में अपने आप को फैसिलिटेट कर सकें। तो मतलब जितना हो सकता था इन्होंने अपने स्टेप्स उठा रहे हैं। दोनों डॉक्टर साहिबान ये गायनी ऑप्स की भी, ठीक है, MBBS के बाद उन्होंने चारों डिपार्टमेंट्स में अपना छोटा छोटा रोल प्ले किया हुआ है ताकि हम जनरल पेशेंट्स को भी यहाँ पे हैंडल कर सकें। वार्ड में 8 बेड्स के साथ जो है ये हमारा वार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्या नाम है, मोनीटर्स जो हैं फाइव पैरामीटर्स के साथ मोनीटर्स हमने इंस्टॉल करने हैं, वही जैसे मैंने पहले आपको बात कही, मशीनरी इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहे, लूप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लूप है, तो उसको जो है ना, फिर अभी विजिट्स हैं, सारा कुछ है, लोगों का आना जाना है, तो रूटीन वर्क कल से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, और रिकॉर्ड के अंदर ही अल्ट्रासाउंड मशीन को इंस्टॉल किया गया है ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी हमें भागना ना पड़े, हमें फौरी डॉक्टर साहिबान का भी इधर सिटिंग बनाई गई है ताकि डॉक्टर साहिबान फौरन CTG और प्लस अल्ट्रासाउंड दोनों को यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपरली हैंडल कर सकें।